हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब है मेरे सुपर स्टूडेंट। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, एक बार मुझे बता दो। तो आज प्रारंभ करते हैं SST की शानदार क्लास, जिसमें मैं आपको करा रहा हूं क्लास 8 की NCERT। और क्लास 8 की NCERT में आज है अंतिम चैप्टर, जिसको मैं मानव संसाधन के नाम से मैं और आप दोनों जानते हैं। सभी लोग अच्छे हैं ना? काफी दिनों के बाद तुम्हें मेरी सुंदर सी आवाज सुनाई दे रही होगी, है ना? सोनिया रानी जी और सुमिता पांडा जी और ममता श्री प्रकाश, डिम्पी झा, दिव्या और रंजय कुमार, जगजीवन गौतम, सभी लोग बढ़िया है ना? एक बार बढ़िया है तो एक बार बढ़िया जैसे देखो भी, थम यानी जरूर करते आया करो, थोड़ा मुस्कुराहट वाली इमोजी भी लगाते रहा करो, जैसे अभी श्री प्रकाश जी ने लगाई है। ठीक है, थोड़ा खुश दिखा करो, जिंदा हो तो जिंदा देखो, यही तो मैं कह रहा हूं। सर आज का थंबनेल बहुत ही सुंदर है, देख लो कितना बेहतरीन बेहतरीन थंबनेल बनाते हैं हम आपके लिए कि सुंदर भी लगे, है ना? अच्छा शमिता, यही प्रॉब्लम आ जाती है इंग्लिश में, ठीक है, ऐसा हो जाता है। हाँ सर की नजर को आवाज नजर मत लगाओ, सर की आवाज को मुश्किल से सही हुई है, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से सही नहीं हूँ। शनिवार को मैं इस क्लास को लेके आ रहा था लेकिन नहीं लेके आ पाया, स्वास्थ्य जो कंडीशन खराब हो गई थी इस वजह से, है ना? वो क्लास अब बहुत जल्दी आएगी। और इसके अलावा अगर आप JSSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, झारखंड की, झारखंड में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो इस समय ऑफ डे पर भी आज आपको ऑफर मिल रहा है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को 15% एक्स्ट्रा मिल रहा है। DSSB का कोर्स खरीदोगे उसमें भी जबरदस्त तरीके से ऑफर मिल रहा है आज के लिए, केवल और आज। तो आप उस कोर्स को भी चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, नंबर मैंने आपको उसमें बता ही दिया था। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 8 की NCERT का लास्ट चैप्टर है, और उसके बाद क्लास 9th की NCERT में आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां पर हम मानव संसाधन, इसके अलावा बिहार GK के भी प्रश्न कराऊंगा, GK GS वाले भी प्रश्न कराना मैं अब प्रारंभ कर रहा हूं, है ना? हाँ जी, सारे लोग जिन्हें कोई भी कोर्स परचेज करना हो इस नंबर पर 8368775254 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, किसी भी समस्या के लिए, एनी प्रॉब्लम्स, जो भी जिंदगी में आपके समस्या है वो सब। देखो चैप्टर है मानव संसाधन, देखो मैंने आपको पढ़ाया था संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। संसाधन वो है जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, ठीक है। नहीं तो संसाधन मानव की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, तो मानव भी तो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता है। एक पढ़ा लिखा मानव, जैसे मैं पढ़ गया अपने समय पर, फिर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपकी जरूरतों को पूरी कर रहा हूं, तो मैं भी तो संसाधन हूं, इसी को संसाधन कहते हैं, समझ में आएगा? नहीं तो मानव खुद संसाधन है। अगर मानव के अंदर स्किल है, अगर मानव के अंदर कौशल है, तो मानव संसाधन है। आप भी तो यही कर रहे हो, आप भी तो संसाधन बनना चाहते हो ना, तो संसाधन बनो, यही तो जरूरी है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये बताओ भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहली प्रजाति समूह कौन सा था? निग्रोटा आए थे, नॉर्डिक आए थे, मंगोलॉयड आए थे, या भूमध्य सागरी आए थे, है ना? भारत में सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई थी? याद रखो भारत में सबसे प्राचीन, अगर प्राचीन मानव अस्तित्व की बात होती है, तो वो नर्मदा की घाटी में मिलते हैं, नर्मदा घाटी। और अगर आपको विश्व में देखना हो कि सबसे पहले मानव, ठीक है, जिस होमो सेपियंस मानव की बात की जाती है, वो कहां पर उत्पन्न हुआ था, तो वो अफ्रीका में हुआ था, ये बात आपको पता है। भारत की बात आ जाए तो नर्मदा घाटी में, और अफ्रीका से चलते चलते वो भारत में आया था। और वो कौन सा सबसे पहला समूह था? वो निग्रोटो समूह था, याद रखना, है ना? वो कौन था? निग्रोटो समूह था, जो भारत में सबसे पहले आया। हालांकि भारत में ये सभी की सभी प्रजातियां भारत में उपलब्ध है, भारत में दिखती है, लेकिन अब आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो नर्मदा घाटी याद रखना, है ना, पहला याद रखना। दूसरा, सबसे पहला जो मानव था वो कहां पर आया था? अफ्रीका में आया था। भारत में मानव कहां आया था? नर्मदा घाटी में आया था। भारत में कौन सी प्रजाति आई थी, कभी प्रश्न आ जाए, तो निग्रोटो आई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है ना, याद रखोगे,
जल्दी जल्दी बताओ, निग्रो तो छोटे मोटे नहीं होते, ये जो क्रिस गेल वगैरह जो है ना, क्रिस गेल है, ब्रांड लारा है, ये सब निग्रोटे ही तो है, तो छोटे छोटे बता रहे हो। ये विशाल गाय होते हैं, खूब सात सात आठ आठ फीट के होते हैं, सात सात फुट के लंबे होते हैं, बाल थोड़े से गुच्छादार होते हैं, ठीक है, उलझे हुए से, ठीक है। यस सर, याद रखेंगे, पूजा कुशवाहा है ना। चलो आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। मानव संसाधन से प्रश्न है सभी कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित है। ये यूपी पीसीएस में भी प्रश्न आया था 2002 में, और अब आपसे पूछ सकता है ना, सिंपल सी बात है, पूछेगा, ठीक है, पूछेगा तो जवाब बताओ, जल्दी बताओ, कितने लोग को पता है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित है। इरूला, खासी, संथाल या थारू। और ये बीएसवी इसको जरूर प्रश्न पूछेगा, क्योंकि इसका संबंध बिहार और झारखंड से ही है, तो आपसे प्रश्न तो पूछेगा ना, तो इसका जो सही राइट आंसर है वो संथाल। अब बताओ संथाल आंदोलन हमारे यहां पे है कि नहीं, तो अब आप संथाल परगना भी है, संथाल कहां पर पाए जाते, झारखंड में ज्यादा पाए जाते हैं, ये बात आपको पता होगा, जितने भी लोग झारखंड के हैं उन्हें पता होगा संथाल कौन है। संथाल विद्रोह को भी आप अच्छे से जरूर पढ़ना, क्योंकि ये हमारी आजादी में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तुम तो आजाद हो, आजाद हवा में सांस ले रहे हो, सोचो जब विदेशी लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तब आवाज से बोलना, बोलना ही बहुत बड़ी बात था, तो विद्रोह करना तो कितनी बड़ी बात था, एक ऐसी सत्ता के खिलाफ जिसका सूरज कभी न डूबता हो, इतना सामान्य थोड़ी होता है। इस समय पर तो हम कुछ भी हा हा हु कर लो कि हम बड़े बड़े बहादुर हैं। सोचिए कि अगर अभी अभी मानो दो पुलिस वाले खड़े हो जाए ना, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती है, उस समय पर उस सत्ता के खिलाफ खड़े होना जिसका सूरज अस्त नहीं होता था, क्या आपने सामान्य बात समझ रखा है, उसको सामान्य नहीं था। तो जिन्होंने विद्रोह किया है ना, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई है, सम्मान करो, सुबह सुबह उठ के सम्मान किया करो, शाम को सम्मान किया करो, बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ठीक है नी, बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेके आया हूं मानव संसाधन से। अब आपका क्लास सिक्स, क्लास सेवन और क्लास एट की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है ज्योग्राफी की, एक बार एक दिन इस सारी की सारी क्लासों को दोबारा देख देना, मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको एसएसटी विद्राज राणा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो बगल में मैं जो इसको लगाता हूं ना, कृपया इसको पढ़ना बिल्कुल न भूले, से जरूर पढ़ा करें। तो इसका जो राइट आंसर कितने सही दिया है बताओ पहले, ठक्कर बप्पा, ठक्कर बप्पा इज राइट आंसर है ना। देखो पहले बात तो याद रखना, क्या भारत में, ठीक है, भारतीय संविधान में जनजाति की कोई परिभाषा है, एक प्रश्न में आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भारत में जनजाति की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दे रखी है भारतीय संविधान के। तो एक बात स्पष्ट आपको पता होना चाहिए, कौन जनजाति, ठीक है, जनजाति किसे कहते हैं, ये हमारे संविधान में किसी आर्टिकल में नहीं है, ठीक है, लेकिन जनजाति को घोषित करने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है, ये जरूर याद रखना, ठीक है नहीं, वो भी जनजाति नहीं, किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है, समझ में आ गया नहीं। राष्ट्रपति किसी भी जनजाति को क्या कह सकता है, ये शेड्यूल ट्राइब्स कह सकता है, अनुसूचित जनजाति कह सकता है, याद रखना राष्ट्रपति को अधिकार है। जनजाति की परिभाषा वैसे नहीं मिलेगी, लेकिन जनजाति क्या है, जिनका एक भौगोलिक, क्या भौगोलिक जुड़ाव हो, बेहद शर्मीले हो, ठीक है, और विकास की श्रेणी में काफी पीछे हो, उन्हें प्रकृति से ज्यादा प्यार हो, स्थानिक हो, वो सब के सब क्या होते हैं, जनजाति होते हैं, याद रखना है ना। चलिए चार, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। एमपीपीसीएस 2013 में प्रश्न आया था और आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जल्दी आंसर बताओ। ये बताओ कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है, इरूला है, पनियन है या राजी है, क्या होगा राइट आंसर बताओ। चांदनी सिन्हा के अलावा श्रुति और रुद्र, इसके अलावा जुल्फिकार, प्रभा, ममता, निधि, शिवानी, राकेश, ज्योति, अभी मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूं लेकिन स्वस्थ होने के क्रम में चल रहा हूं, है ना। चलिए तो वैसे भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है ना वो भील जनजाति है, भील, ठीक है,
और 2011 की जनगणना के अनुसार भील कहां पर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में। और भील के बाद दूसरे नंबर पर जो आती है वो आती है गोंड, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर कौन सी है, गोंड है, ठीक है नी। तो पहला तो इसमें दे नहीं रखा है, तो गोंड राइट आंसर होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। संपूर्ण भारत में गोंड जनजाति मिल जाती है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है नी। पांचवा प्रश्न, भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है, सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, मजेदार प्रश्न है ना, ठीक है नी। हाँ तो बता तो दिया, सही है। ए वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सही आंसर दिया, ठीक है ना। और अब देखो आती आते सबसे पहले लाइक किया करो, ठीक है। लाइक भैया करना मत भूला करो, लाइक करने में किसी पर कोई भी जोर नहीं जाता। या तो आपको अच्छी नहीं लगे क्लास तो बाद में अनलाइक कर दो, क्लास के बाद कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ना, इतनी सारी चीजें मेहनत करता हूँ, एक एक पेज को लगाता हूँ, फिर देखता हूँ पेज में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। सही, जहां ज्यादा प्रश्न नहीं बन रहे थे इसलिए मैंने जनजाति के प्रश्न लगा दिए, कहीं तो काम आएंगे आपके, वही मैं आपको करा रहा हूं। तो सर्वाधिक आद्य जनजाति, सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो याद रखो जारवा जनजाति है। सबसे पुरानी कौन सी है, जारवा, ठीक है नी। ये जारवा कहां मिलते हैं, अंडमान निकोबार में मिलते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। और जारवा जो है वो विलुप्त प्राय जनजाति है, विलुप्त यानी कुछ समय के बाद हो सकता है कि कोई जारवा बचे नहीं, क्योंकि जारवा में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं और इसलिए इनकी जनसंख्या तेजी से घटती जा रही है जारवा की, है ना। अंडमान निकोबार में जारवा के अलावा ओंग जनजाति पाई जाती है, याद रखो जारवा, जारवा, ठीक है। जारवा के अलावा यहां पर सोमपेन जनजाति पाई जाती है, यहां पर सेंटिनली जनजाति पाई जाती है, ये आदिम जनजाति है, विरुद्ध श्रेणी में है, और ये अंडमान निकोबार की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, इन्हें जरूर याद रखना। इनकी भाषा भी है अपनी, ये विशेष भाषा बोलते हैं, तो विशेष भाषा बोलते हैं तो विशेष भाषा से विशेष प्रश्न भी तो आपसे पूछेगा, सीधी बात है, ठीक है। अब यहां जारवा जो है वो तो न्यूड रहते हैं, नंगे रहते हैं बिल्कुल, अब आप सोच सकते हो, ठीक है। यहां पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, पहले विदेशी इनकी फोटो ले जाते थे महिलाओं की, डांस करवा करवा के, और इंटरनेट पर वायरल कर दिया करते थे, जब सरकार को पता चली ये तो भारतीय महिलाओं का अपमान है, ठीक है। हालांकि न्यूड रहना या कपड़े ना पहनना ये कोई बदतमीजी नहीं होती है, ठीक है। एक होती है अश्लीलता जो कपड़ों में भी दिखाई दे सकती है, और एक होता है आपका न्यूड, यानी जब कोई तुमने देखा होगा ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन वगैरह हो या सार्वजनिक जगह हो, और बच्चे को भूख लगी हो और माँ बच्चे को दूध पिला रही हो, ठीक है, तो वो अश्लील नहीं दिखती है, कभी भी देखना आप, कभी गौर करना, ठीक है, कोई है तो अश्लीलता नहीं दिखाई देगी आपको। तो अश्लीलता और न्यूडिटी दोनों में अंतर होता है, वल्गैरिटी एंड न्यूडिटी, ठीक है। हर न्यूडिटी वल्गैरिटी नहीं होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसी प्रकार की हमारी जनजातियां जो कपड़े नहीं पहनती हैं वो वल्गर नहीं होती, लेकिन उसी चीज को वल्गैरिटी के साथ परोसा जा सकता है इंटरनेट पर, तो यही सरकार ने रोक लगा दी थी कि ऐसा नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास है। तो देखो टोडा जनजाति से हमेशा प्रश्न पूछता है, तो इस बार भी तो प्रश्न पूछेगा टोडा जनजाति का, आप ठीक है आंसर बताइए, ठीक है नहीं। टोडा जनजाति का मूल स्थान कौन सा है, पहले तो याद रखो ये टोडा जनजाति क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां से प्रश्न आते हैं, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहां पर मात्र सत्तात्मक ठीक है व्यवस्था है, ठीक है। यहां पर माता को बड़ा माना जाता है, पिता को दूसरे नंबर पर रखा जाता है, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, और यहां पर महिलाओं को ठीक है, यहाँ की जो महिलाएं, क्यों यहाँ पे बहुत कम महिलाएं मिलती हैं, कौन बहुत कम महिलाएं, इसलिए यहाँ पे महिलाओं को बहुपति विवाह करने की अनुमति है, बहुपति विवाह, ठीक है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुपति विवाह कर सकती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बहुपति विवाह कर सकती है यहाँ, क्यों, क्योंकि इस जनजाति में महिलाओं को जो बच्चियां होती हैं उनको जन्म के सहित ज्यादा मार दिया जाता है, यानी यहां पर भ्रूण हत्या कॉमन है, ठीक है। भ्रूण हत्या यहां पर खूब होती है, अब भ्रूण हत्या यहां पर होती है इस कारण आपको पता है कि यहां पर महिलाओं की कमी है, इसलिए ठीक है बहुपति विवाह की यहां पर अनुमति दी गई है टोडा जनजाति में। और टोडा जनजाति आपको तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है। अब इस नीलगिरी का नाम आपने सुना होगा,
तो नीलगिरी का नाम सुना है तो कुछ और भी सुन लो कि यहां पर पश्चिमी घाट और यहां पर पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं और नीलगिरी की जो पहाड़ी है ना उस पर एक साइलेंट वैली और मिलती है, साइलेंट वैली यानी जिसको कहते हैं चुप घाटी, शांत घाटी, यहीं पर है। ऊटी उटक मंडल वो भी कहां पर है, नीलगिरी पहाड़ियों पर ही है और यहीं पर दोधा बेटा, ठीक है, दोधा बेटा यानी इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो प्रायद्वीपी भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ऐसा आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, सातवां, ये कुकी जनजाति बहुत ज्यादा इस समय पर वो रही है, करंट में रही है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है नहीं, इसलिए आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। याद करो कुकी किस राज्य से संबंधित है, एसएससी एफसीआई 2012 में प्रश्न आया था, ठीक है नहीं, अब तो करंट में है क्योंकि आपको पता है मणिपुर में, मणिपुर बहुत दिनों तक जला था, बहुत दिनों तक जला था और किसी ने कोई देखा नहीं मणिपुर की तरफ, लड़ाई हो गई थी, गृह संघर्ष चल रहा था, एक समूह के लोग दूसरे समूह को मार रहे थे, महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे, महिलाओं के कपड़े उतार कर उनको सड़कों पर दौड़ा रहे थे, ये वही मणिपुर है, समझ में आएगा नहीं, तो प्रश्न वहां से पूछा जा सकता है, तो वहां से याद रखो कुकी किस राज्य की संबंधित है, तो आपको याद रहना चाहिए मणिपुर, ठीक है नहीं, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, ठीक है मणिपुर, ये तो आपको पता होगा ना, ये ज्यादातर जनजातीय क्षेत्र है इसलिए इसमें दो जनजातीय छह वो रहती है समुदाय, उनके बीच में लगातार लड़ाई होती रहती है, एक जो समुदाय है जो ईसाई धर्म से संबंधित है और दूसरा धर्म जो है समुदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है, इसलिए दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयां होती रहती है, ठीक है याद रखना, ओके चलिए अगले प्रश्न पर और, ठीक है चले, क्वेश्चन नंबर आठवां है, आठवां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, अब बताओ जिस दिन दीपावली आती है आप तो बड़े खुश होते हो, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दीपावली को एक दुख के रूप में मनाते हैं, दुख, ठीक है, रोते हैं रात भर, समझ में आएगा नहीं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, बताओ कितने लोग हैं जो इसका राइट आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है ना, बताओ, सहरिया, बागा, पहरिया या थारू, तो आपको याद रखना राइट आंसर क्या है, थारू, ठीक है, थारू जनजाति ये काम करती है, याद रखना। इसके अलावा ये भारत में जितनी भी जनजातियां हैं, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियां मिलती हैं, ये समस्त चीजें मैंने आपको इस में बता दी हैं, ठीक है, अब आप इसको मैं पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ ले लेना, जैसे यहां पर बिहार है तो बिहार में बैगा जनजाति लिखी हुई है, बैगा जनजाति यहां मिलती है, झारखंड में भी लिखा हुआ है संथाल, मुंडा, उराम, हो, ये झारखंड में मिलती है, बंगाल में लिखा हुआ है हगोंग या संथाल, ये बंगाल में मिलती है, ठीक है, उड़ीसा में लिखा भूमिज, कोपा, योंडा, भुइया, ठीक है, सौरा, खोंड, अब इसको आप आराम से पढ़ लेना, ध्यान रखना, अच्छी तरह से याद कर लेना, यही बात मैं आपको बता रहा हूं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछ ले तो टोडा लगा देना, ठीक है, बिना खटके याद रखना, ओके अब याद रखोगे, इसको आराम से पढ़ लेना, देख लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो यहां पर आपका तैयार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये मैंने आपको पूरा की पूरी जनजातियों का पूरा की पूरा भारत में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है यहां पे लगा दिया है, जैसे यहां पे जारवा, ठीक है, सेंट लीज, ओंग, मैं बता रहा था सोमपेन, ये सब जनजाति यहां पर मिलती है, इस प्रकार से आप इसको पढ़ लेना, और ये सारा का सारा आपको कहां मिलेगा, SST विद राज राणा टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है नहीं, विद राज राणा, ठीक है, राज राणा तो मेरा नाम है और SST में आपको पढ़ा रहा हूं, तो SST विद राज राणा टेलीग्राम चैनल है, हर एक क्लास की PDF आपको वही मिलती है, ठीक है नहीं, तो आप वहां पर जरूर जुड़े रहे, यही मैं आपको बता रहा हूं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मानव संसाधन विकास के लिए निम्नलिखित में से किसको तीन, ठीक है, के अंतर्गत संक्षेपित किया गया है, बताइए, ठीक है नहीं, बताओ मानव संसाधन के विकास के लिए क्या आवश्यक है, बताओ मानव संसाधन के लिए क्या आवश्यक है, मानव संसाधन का विकास करना है आप, ठीक है, आपको अपने बच्चों को नौकरी वाला बनाना है, आपको अपने बच्चों को उद्योगपति बनाना है, आपके अपने बच्चों को टीचर बनाना है, तो क्या क्या जरूरी है, योग्यता, संचार, प्रतिबद्धता या संस्कृति, यही तो पूछ रहा है और यही तो आपको आंसर बताना है, जल्दी बताओ क्या राइट आंसर होगा इसका, तो इसका राइट आंसर ACD यानी ACD यानी योग्यता, संचार और संस्कृति, ठीक है, ये तीन चीज है
जो मानव को संसाधन बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिबद्धता, मानव संसाधन को अपने काम करने के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, यह प्रतिबद्धता मानव संसाधन होने के बाद है, ठीक है। तो ए सी डी इज अ राइट आंसर, याद रखोगे। अब देखिए यहां से मैंने यह प्रश्न क्यों उठाया कि आप एनसीईआरटी देखिए, तो एनसीईआरटी में यहां पे लिखा हुआ है बगल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जब एनसीईआरटी में दे रखी है तो क्या आपके पेपर में नहीं आएगी? सर एक बार फिर से पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी भारत के सबसे बड़ी जनजातियां बता दो, ठीक है। नहीं उत्तरी अगर देखोगे, उत्तरी में तो यही मिलता है आपका, जो जो क्या कहते हैं गोंड वगैरह है वो ही सबसे ज्यादा मिलते हैं ऊपर, ठीक है। वेस्ट में देखोगे तो वहां पे भील मिलते हैं, ठीक है, और दक्षिण में जो है दक्षिण में टोडा मिलती है। पूर्व का भी मुझे बिल्कुल आंकड़े नहीं है कि पूर्व में क्या ये है, समझ आएगा नहीं। अब देखो यहां से भी तो प्रश्न आ सकता है, तो यही प्रश्न है इसलिए मैंने यहां से प्रश्न बनाया ये जो है, और आंसर पहली बार टिक हो गया। देखो यहां पे दे रखा है एनसीईआरटी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ हुई? 2015 में एनसीईआरटी कह रहा है। 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया, तो 1 करोड़ भारतीय युवाओं के लिए शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रसारित करना, यानी मानवों में, यानी मानव है, मानव को कौशल सिखाना है। कौशल मतलब छोटे मोटे काम करने की योग्यता आ जाए उसके अंदर, ठीक है, कौशल सिखाना, उसी के लिए ये योजना प्रारंभ करी थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना। तो अब आप यहां पे देखो, पहला सही नहीं है, यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप के अंतर्गत आता है, यही गलत है, ठीक है। बाकी ये और ये दोनों अपने आप में सही है, इसलिए 2 और 3 अपने आप में बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना, ठीक है नहीं। अब आपको पूरा दिखा दे रहा हूं यहां पर, ये कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय MSME की योजना है, और यहां पे क्या दे रखा है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लेकिन है किसके अंतर्गत? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, याद रख लो, बाकी तो आपको सब कुछ इसमें याद ही रखोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला प्रश्न देख लो, मस्त सा प्रश्न है, मस्त सा प्रश्न से है, जनसंख्या का वितरण, यानी कहां पर जनसंख्या ज्यादा मिलती है, कहां पर जनसंख्या कम मिलती है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखो जनसंख्या वितरण, अब यहां पर अगर आप देखो पीले कलर के, ये 100 लोग हैं टोटल, 100 में से जो पीले पीले कलर है ना, ये एशिया में, ये एशिया में रहते, इसमें से यहां पर जो आपको ये वाला कलर क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, यूरोप में, ये जो बैंगन जैसा रंग दिखाई दे रहा अफ्रीका में रहते हैं, ये लाल रंग कहां रहते, उत्तर अमेरिका में रहते हैं, ये मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनजाति वो जनसंख्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा एशिया में, उसके बाद यूरोप में, उसके बाद क्या है अफ्रीका में, ठीक है, उसके बाद मध्य अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में और ओशिनिया में। ये बात आपको याद रखना, ध्यान रखना, कभी भी प्रश्न आ जाए तो, है ना, याद रखोगे ना। तो यहां पर कह रहा है, ये कह रहा है कि जिस प्रकार लोग फैले उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं, यानी हमारी भूपृष्ठ पर, ये जो है ये भूपृष्ठ सरफेस पर जिस प्रकार से लोग फैले हैं उसको जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग, ठीक है, 30% भाग पर निवास करते हैं, यानी विश्व की जनसंख्या का 90% 30% पर निवास करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब देखो आगे से अच्छी तरह से और ध्यान से, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? पहला प्रश्न तो ये है, जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो आपको राइट आंसर याद होना चाहिए, अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है। अभी हमारी 21वीं सदी चल रही है, ठीक है, 21वीं सदी एशिया की सदी है, अब आएगी इसके बाद 22वीं सदी, जब हम रहेंगे नहीं तो अफ्रीका की सदी होगी, ये बात आपको ध्यान, अभी एशिया की सदी है। 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा, ये रिपोर्ट आई है उसके बारे में ध्यान रखना, यानी एशिया सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एशिया दिखाई देगा, एशियन जायंट्स दिखाई देंगे यहां पर, ठीक है, और ये अमेरिका वगैरह का सब मतलब हमें पिछलग्गू हो जाएंगे, हम अमेरिका से भी ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है, और अगर हमने थोड़ा सा और मेहनत कर ली ना तो हम चाइना को भी सरपास कर सकते हैं, उसे भी पीछे छोड़ सकते हैं, ध्यान रखो। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, ठीक है नहीं, यानी जहां पर
कम जनसंख्या पाई जाती है वो नहीं है। अटाकामा मरुस्थल है, मरुस्थल में जनसंख्या बहुत कम होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम होती है, दक्षिण पूर्वी एशिया तो यहां तो जनसंख्या खूब है क्योंकि यहां पर इंडोनेशिया है, यहां पर मलेशिया है, यहां पर म्यांमार है, यहां पर थाईलैंड है, यहां पर वियतनाम है, तो यहां तो जनसंख्या घनघोर है, ठीक है नहीं, तो यहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, ऐसा आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है नहीं। आप लोग इसको पढ़ते समय बेटा इसको जरूर पढ़ना, सब लोगों से अनुरोध है, ये सारी चीजें जरूर पढ़नी है आपको, है ना। ये मैंने इसलिए आपको बगल में दे रखा है, यहां से कोई भी प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। देखो जैसे विश्वत व्रत के दक्षिण की अपेक्षा विश्वत व्रत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं और आप उसका गलत आंसर लगा के आ जाओगे क्योंकि आपने पढ़ा रही है। इसलिए मैंने अब पूरी तरह से कोशिश करी है कि आपको बगल में ही सबको दे दिया जाए कि आप फिर ये ना कह पाओ कि सर ने ये पढ़ाया नहीं था। सब कुछ पढ़ा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पूरी पूरी रात लग जाती है एक पीडीएफ बनाने में, पता है कम से कम 7-8 घंटे लग जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है नहीं। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। ये निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है? अब जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? जनसंख्या घनत्व मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये रहा जनसंख्या घनत्व, तो पेपर में पूछ रहा है, आपकी एनसीईआरटी में पूछ रहा है ना, आपकी एनसीईआरटी में पूछ रहा है, तो आप देख सकते हो आपकी एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो आप देख सकते हो ना कि आपकी एनसीईआरटी पूछ रही है जनसंख्या घनत्व, तो मैंने यहां पर जनसंख्या घनत्व से संबंधित प्रश्न पूछा है, क्योंकि तुम्हें मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ा रहा हूं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर निम्न में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहां पर मिलता है आपको? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व मिलता है आपको बांग्लादेश, ये तो पता है ना? सबसे ज्यादा घनत्व कहां है? बांग्लादेश में। कभी आपसे पूछ रहे कि विश्व में जनसंख्या घनत्व कितना है? 51 है, यानी 51 आदमी 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में रहते हैं, और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा घनत्व है, सबसे ज्यादा, समझ रहे हो ना, सबसे ज्यादा घनत्व कहां पर है? बांग्लादेश में, ठीक है ना। तो ये बात आपको अच्छे से पढ़नी है सारी कुछ। और भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 है, ये कौन बता रहा है? एनसीईआरटी बता रही है, एनसीईआरटी जो बता रही है उसको आप गलत नहीं कर सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? अब ये भारत से संबंधित, अब ये भारत से संबंधित प्रश्न है और ये बात आपको याद करना, बताओ जनगणना 2011 के अनुसार। अब जनगणना से 2 या 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 2 या 3 प्रश्न आपका सिलेक्शन दिला सकते हैं, सिलेक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। बाहर का रास्ता और अंदर का रास्ता यहीं से आता है, याद रख लो, समझ में आ गई। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है? मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर। सी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है, सबसे कम घनत्व भी है, बहुत कम लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 15 लोग रहते हैं। अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, याद रखना, ठीक है नहीं। चलिए अब बताओ अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग रहते हैं, केवल और केवल 17 1 किलोमीटर स्क्वायर में। और सोचो तुम बिहार के हो ना, अगर बिहार में देखें तो 1100 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। किसके पास भूमि ज्यादा है? किसके पास भूमि ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश वालों के पास या हमारे पास? ये भूमि ज्यादा किसके पास है, कभी सोच आया आपने, गौर किया है? यही बात मैं आपको बता रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश वालों के पास ज्यादा भूमि है और आपके पास बहुत कम भूमि है, याद रखें। अगर आपको पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व देखना है तो सारे के सारे भारत के जनसंख्या घनत्व, ये रहा आपका बिहार, बिहार में 1102, बिहार में 1102 लोग रहते हैं, कहां पर? 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1102। झारखंड तुम्हारे बगल में ही है, केवल 414 लोग रहते हैं। अपने बगल बगल के तो याद रखोगे ना, झारखंड में देख लो 414 लोग, वेस्ट बंगाल में 1029 लोग, और तुम्हारे उत्तर प्रदेश में 828 लोग, ठीक है नहीं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। सब कुछ देख लेना यहाँ पर, ये मैंने आपको पूरा के पूरा चार्ट आपको दे दिया है, पढ़ लेना अच्छे से, है ना, एक एक को अच्छे से पढ़ लेना, जितना भी कोशिश हो ध्यान रखना, है ना। चलिए
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मजेदार प्रश्न है कि नहीं? अब इस प्रश्न का आंसर बताओ, सोच समझ के बताना, ध्यान लगा के बताना कि क्या सही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व 328 व्यक्ति प्रति है। अभी मैंने बताया कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 328 नहीं है, 382 है। गलत, पहला क्या हो गया, गलत। कितना है याद करो, 382 गलत नहीं होना चाहिए, कितना है, 382 है, ठीक है नहीं, 382 है, याद कर लो, है ना। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 892 नहीं है, ये 829 है, ये भी गलत है। पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है, ये भी गलत है। तीनों गलत हैं, अभी बताया था बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, फिर भी गलत बता रहे। ये क्या पढ़ाया आपको, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर 1029, ये रहा 1029, 1029 कम होता है ना 1100 से, 828 है, 828 ये रहा, ठीक है। सब गलत है, ठीक है, तो सब गलत है, तो डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, डी होगा राइट आंसर, याद रखना, भूलना नहीं, डी राइट आंसर होगा, भूलना नहीं, कोई भी एक भी नहीं भूलेगा, है ना, याद रखो। आगे चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का घनत्व घटते क्रम में बताओ, सबसे बड़ा छोटा 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 बताओ, सबसे बड़ा छोटा छोटा छोटा। हमारे सर जी बस सही है, बाकी सब गलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जितना पता किताबों में दे रखा होता ये है, ठीक है नहीं, ये होता है। तो ये मैं आपको जल्दी बता रहा हूं कि कैसे वो सवाल करता है, वो कैसे इधर उधर से टेढ़ा कर देता सवालों को, ये है। और 2011 के बाद ये आंकड़े बदल जाते हैं, लेकिन अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है, सच्ची बात तो ये है। बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है ना, तो बिहार के बाद क्या है, बंगाल है, फिर उसके बाद केरल है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, ये याद रखो, बाबा कु, ठीक है, ऐसे याद रखना, बाबा कु, ठीक है, ये कहते हैं बाबा कलकु, बाबा कलकु, कलकु, ठीक है नहीं, बाबा कलकु देखेंगे, है ना। तो बिहार, बंगाल, केरल और कू से क्या बन जाएगा, उसे उत्तर प्रदेश, ऐसे करके याद रखना, तो आपको याद रहेगा, है ना, बाबा को उत्तर प्रदेश, वाह गुड, है ना, बाबा को उत्तर प्रदेश, सही बात है ये तो। वैसे एक बात है, हमारे स्टूडेंट जो है ना मजा कर देते। चलिए अगला प्रश्न, संघ शासित प्रदेशों के घटते हुए जनसंख्या घनत्व का सही क्रम कौन सा। अब मेरे संघ शासित प्रदेश पूछ ले, ठीक है नहीं, बाबा कल्लू, वाह सोनी जा, क्या बात है, श्री प्रकाश मिश्रा, बाबा का उत्तर प्रदेश, श्री सर पढ़ के आते हैं, आप भी पढ़ के आइए, हाँ सब पढ़ के आया करो, मैं पहले बता देता हूं मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, बताओ मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये पहले बता रहा हूं आपको, इसका मतलब है कि आपके 100 में से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको 50 करा रहा हूं, 50 में से 50 सही होने चाहिए, गलत हो रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो, सीधी बात है ना, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है सही है गलत है, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है, संघ शासित प्रदेशों के घटते हुए जनसंख्या घनत्व का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आपके दिल्ली में है, उससे कम चंडीगढ़ में है, उससे पुदुचेरी में है, फिर दमन दीव में है, तो बी इज राइट आंसर, है ना, यहां पर भी क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो ये क्या कह रहा है, घटते हुए यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा छोटा छोटा छोटा, बड़ा छोटा छोटा छोटा, बड़ा छोटा छोटा छोटा, बड़ा छोटा छोटा छोटा, ऐसे करके आपको याद रखना। बताइए यहां पर डॉट 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 है, कोई महिला से उसकी संपूर्ण प्रजनन आयु के दौरान पैदा हुए बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, बताओ, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, अशोधित जन्म दर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताओ, ठीक है। एक महिला अपने प्रजनन काल, प्रजनन काल कितना माना जाता है महिलाओं का, ठीक है, मीनार्की से मोनोपोज तक, मीनार्की से मोनोपोज,
ठीक है, ये जो टाइम होता है ना लगभग लगभग 14 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है और लगभग 45 साल के आसपास रहता है। ये जो समय होता है वो महिलाओं का प्रजनन काल कहलाता है। इस समय महिलाएं कितने बच्चे पता पैदा कर सकती है, ठीक है, कितने बच्चा पैदा कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कुल प्रजनन दर। उसी को हम क्या कहते हैं, कुल प्रजनन दर। और ये 1000 पर निकाली जाती है, 1000 महिलाएं, ठीक है, और यहां पर उनकी यानी यही बालिवत एक यानी 1000 महिलाएं कितने बच्चों को उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है नहीं। अगर सोचिए कुल प्रजनन दर 2.1 हो जाए, कुल प्रजनन दर अगर 2.1 हो जाए तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। ये कई बार प्रश्न आपसे पूछ चुका है ना ये कई बार आपसे प्रश्न पूछ चुका है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रजनन दर भी 1000 महिलाओं पर निकाली जाती है। शिशु मृत्यु दर यानी 1000 शिशु जो हुए हैं उनमें कितने की मृत्यु हो जाती है, शिशु मृत्यु दर होता है, ठीक है नहीं। जन्म दर, ठीक है, जन्म दर भी होती है 1000, ठीक है यार, कितने यार, एक ये भी 1000 पॉपुलेशन में निकाले जाते हैं, 1000 पॉपुलेशन पे, ठीक है, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, ठीक है। अधिकांश पश्चिमी देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पश्चिमी देश में क्यों बता रहा हूं, पश्चिमी देश के लिए पता क्यों यहां पे दे रखा है, पश्चिमी देशों में क्यों जनसंख्या ज्यादा वगैरह है, ये सब यहां पे लिखा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। ये पश्चिमी देशों के बारे में बात कर रहा, दोनों ही अपने आप में सही है, ठीक है नहीं। अगर पश्चिमी देशों में गांव में जाओगे तो वहां पर पुरुषों की संख्या ज्यादा है, और अगर शहरों में जाओगे तो वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, याद रखना, ठीक है, याद रखोगे। 1 साल के शिशु का होता है क्या, हाँ 1 साल की होता है, 0 से 6 होता है शिशु, शिशु जो होता है 0 से 6 वर्ष तक माना जाता है शिशु, ठीक है, 0 से 6 को शिशु माना जाता है, याद रखो। चलो आइए आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न पर, यहां पे दोनों सही है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता। देखो सवाल समझो, सवाल समझिए कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण को, जैसे हमारे यहां पर ये भूपृष्ठ है, भू क्षेत्र सरफेस है, यहां पर जनसंख्या के वितरण, कहीं पर जनसंख्या ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर है ही नहीं, तो जनसंख्या के वितरण को कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है, जरा सोच के बताओ, ठीक है, कौन सी प्रभावित नहीं करती। तो ध्यान रखो, भू आकृति प्रभावित करती है, अगर कहीं की भू आकृति ऐसी है तो यहां पर कोई लोग नहीं रहेगा, लेकिन मैदानी क्षेत्र में आपको बहुत लोग मिलेंगे। इसका मतलब है कि भू आकृति क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। रेगिस्तान में बहुत कम लोग मिलेंगे, हिमानियों पर बहुत कम लोग मिलेंगे, माउंट एवरेस्ट पर बहुत कम लोग मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं कोई। जलवायु प्रभावित करती है, खतरनाक जलवायु जहां होती है वहां पर लोग कम होते हैं, याद रखो। जल की उपलब्धता प्रभावित करती, जल नहीं है तो मानव भी नहीं होगा वहां पर, ठीक है। तो अग्नि की उपलब्धता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना, अग्नि तो पैदा की जा सकती है, डी इज राइट आंसर। देखो मैं क्यों बता रहा हूं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक एनसीईआरटी ने पूछा है, मैं नहीं पूछ रहा हूं। स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, ये सब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी बोल रही है आपसे। स्थलाकृति, ठीक है, जलवायु, मृदा, जल और खनिज, ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां पर आंसर क्या है, डी। निम्न में से किस मृदा में अधिक कृषि होती है, निम्न में से किस मृदा में अधिक कृषि होती है, ये भी याद रखो। जहां मृदा भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, अच्छी मृदा जो है ना, जो अच्छी मृदा होती है, याद रखना, जो अच्छी मृदा होती है वहां पर, ठीक है, ज्यादा जनसंख्या मिलती है, और जहां पर खराब मृदा होती है, बंजर होती है, वहां पर कम, यानी दोमट मिट्टी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। एक और तरह से नया प्रश्न बना दिया मैंने, ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, और इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर बताइए क्या है। पानी और जलवायु की उपलब्धता,
शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, खनिज संसाधन, सामाजिक कारक। जो आज मेरी क्लास पहली बार लेने आए हैं वो याद रखना, इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर, तो वो आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी, तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, 6 से 6, 7, 8 इसकी एनसीईआरटी में कंप्लीट करा चुका हूं, ज्योग्राफी की संपूर्ण एनसीईआरटी, पूरे के पूरे यूट्यूब के इतिहास में किसी ने अभी सारी एनसीईआरटी नहीं कराई। ठीक है, अब कल से 9 और 10th की एनसीईआरटी भी करवाऊंगा, ग्रेजुएशन तक के लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ताकि अब इस बार पेपर हो और इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना, याद रखो। तो उपरोक्त सभी डीज राइट आंसर, पानी, जलवायु, शहरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज संसाधन, सामाजिक कारक सब प्रभावित करते हैं, याद रखना। है ना, चलिए यहां पर लिखा है कि जीवन प्रत्याशा क्या है, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवन रहने की अपेक्षा की जाती है, कि एक व्यक्ति, ठीक है, जनसंख्या वितरण को देखो, ये भी प्रभावित करते हैं आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, ये भी एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो याद रखना। ठीक है, शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों की सूची है, भारत नंबर 1 पे है, फिर चीन है, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। ये सीक्वेंस है जिसको आपको याद रखना, सबसे ज्यादा कौन सा है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ऐसे दे रखे हैं, तो ध्यान रखो। अब कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन से हैं, जनसंख्या परिवर्तन के, जनसंख्या परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि यहां पर जनसंख्या थी, ठीक है, अब यहां पर जनसंख्या ज्यादा हो गई तो जनसंख्या परिवर्तित हो गई, यहां पर जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई, तो परिवर्तित हो गई। यानी जितनी जनसंख्या थी, मानो 100 जनसंख्या यहाँ पे रहती थी, यहाँ पे कितने रह हो गए, यहाँ पे 101 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 99। इसका मतलब है कि जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो जनसंख्या के प्रभावित करने का कौन कौन सा, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, एक तो जन्म है, मृत्यु है और प्रवास है, बी इज राइट आंसर। प्रवास का मतलब है जनसंख्या या लोग जो मानव है जब एक जगह से दूसरी जगह जाते, ठीक है, यहां के लोग अगर यहां जा रहे हैं तो उनको कहेंगे प्रवासी, क्या कहेंगे उनको, प्रवासी। यहां के लोग इधर आ रहे हैं उनको भी क्या कहेंगे, प्रवासी, लेकिन इनका इंग्लिश अलग है। ठीक है, एक होता है इमाइग्रेशन, क्या होता है इमाइग्रेशन, एक होता है इमाइग्रेशन। तो भैया हिंदी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप याद रखो, एक होता है इमाइग्रेशन, एक होता है इमाइग्रेशन, दोनों को याद रखो। क्या है, कैसे याद रखोगे, ई से क्या होता है, ई से होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम सामान को बाहर भेजते हैं, बाहर, तो जब कोई व्यक्ति हमारे भारत से अमेरिका जा रहा है, इंडिया से कोई आदमी अमेरिका जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ई माइग्रेशन, एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर बांग्लादेश से कोई व्यक्ति भारत आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ई माइग्रेशन, आई एम इम्पोर्ट, ई माइग्रेशन, याद रखना। टेक्स्ट बुक में क्लास कब होगा, टेक्स्ट बुक में ही होगा, जल्दी ही मेरी 2 क्लासें आपको वहां पर जल्दी मिलने वाली हैं। ठीक है, नहीं चलिए अब तो याद रहेगा ना, बताओ उत्प्रवासी, ये सब यहां पे लिखा हुआ है, और देखो ये मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये लिखा हुआ, जन्म दर क्या होती है 1000 व्यक्तियों पर, मृत्यु दर क्या होती है, प्रवास क्या होता है, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, ये भी लिखा हुआ है यहां पे। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना ना भूले, मैं कितना भी पढ़ाऊं, कितना भी मेहनत कराऊं, एनटीटी के लिए भी क्लास, हाँ बिल्कुल, अरे जीके जी, जहां जीके जी आ रही है वहां पर ये सब लोग, ये क्लास ही महत्वपूर्ण है, इससे अच्छी क्लास तो कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेस ऑफ द ऑल कंपटीशन। अगर आप एक बार एनसीईआरटी तैयार कर लेते हैं 12th तक की, तो आप चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, बीपीएससी हो, ठीक है, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे आपका एनटीटी हो, चाहे आपका 6 से 8 हो, कोई भी पेपर हो, ठीक है, आप 100% निश्चित सफलता प्राप्त कर लोगे, ये बता रहा हूं। ठीक है, नहीं चलिए आइए आगे चलते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारक प्रवास है, तो प्रवास याद रखना। जन्म दर 1000 लोगों पर निकलती है, मृत्यु दर 1000 लोगों पर निकलती है, ठीक है, तीनों ही है, और तीनों को मैंने उठाकर यहां से डाला है, इस वाली लाइन से, है ना, तीनों को मैंने आपको यहां से समझाया है, ये याद रखना। ठीक है, नहीं आइए, निम्न में से कौन सी जन्म दर की उपयुक्त परिभाषा है, जैसे कभी मैंने आपको पढ़ाया था, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये किस क्लास की है, ये 8th क्लास की है,
आठवीं क्लास, ये क्लास एट्थ की ज्योग्राफी है और उसका अंतिम चैप्टर है मानव संसाधन, ठीक है। ये सब मिलेगा आपको, आपको किताबी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मेरी हर एक पीडीएफ जो इसमें पहले से बच्चे है ना क्लास देख रहे हैं ठीक है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, एसएसटी वेदराज राणा पर जुड़ सकते हैं, वहां पर आराम से ठीक है, आराम से मस्त धीरे 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 आपको सारी एनसीईआरटी करा रहा हूँ, 6 से 8 की एनसीईआरटी, फिर इसके बाद में इतिहास की एनसीईआरटी कराऊंगा, फिर इसके बाद पॉलिटी की एनसीईआरटी कराऊंगा, इस प्रकार से सारे के सारे एनसीईआरटी कराऊंगा, फिर आपको इकोनॉमी की एनसीईआरटी कराऊंगा। इसके अलावा रात के 10 बजे मैं आपको करंट अफेयर्स दे रहा हूं और वहां पर मैं आपको संपूर्ण होलिस्टिक क्वेश्चन कराता हूँ, पीवाईक्यू जितने भी, चाहे DSSSB का पीवाईक्यू, बिहार के पीवाईक्यू ठीक है, अब मैं वहां पर कराना शुरू कर दूंगा, आज से शुरू हो जाएगा, सबके पीवाईक्यू चलेंगे उसमें जस्ट ठीक है, जितने अब तक क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे पीवाईक्यू आपको वहां पर उपलब्ध होंगे ठीक है। नहीं तो आप वहां पर जरूर देख लिया अगर क्लास रात के 10 बजे। तो जन्म दर की परिभाषा क्या है, अशोधित जन्म दर का प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करना ठीक है। नहीं तो जन्म दर की यही परिभाषा है, बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष नहीं है। अब देखो कोई आदमी कहीं पर जा रहा है, कोई आदमी कहीं पर जा रहा है और कहीं पर आ रहा है ठीक है। मान लो कि जैसे तुम्हारी किसी से शादी हो गई और पति क्या निठल्ला है ठीक है, एक मेल और फीमेल की शादी हुई और उसमें हस्बैंड क्या है निठल्ला है, मतलब पैसा नहीं कमाता है, तो पत्नी क्या करेगी सोच के बताओ, घर भी बड़ा रहता सुबह से लेकर शाम तक, कोई काम नहीं करता, और जब पत्नी कहती है कि काम करो ना, कहां क्या काम करो, काम ही नहीं है यहां पर, क्योंकि बाहर देखो बाहर भी काम नहीं है, गांव में भी काम नहीं, कहीं काम है ही नहीं, तो पत्नी क्या करेगी बताओ बताओ बता नहीं दे बताओ पत्नी क्या करेगी, पत्नी लात देगी तो चल बाहर निकल यहां से, और यहां नहीं काम मिल रहा है शहर में जा ठीक है, अमेरिका जा, गल्फ कंट्री जा, लेकिन पैसा कमा, समझ आ गई, अरे हाँ बहुत पैसा कमा, जॉब करेगी जॉब नहीं करेगी, वो कहेगी पति जो है ऐसा मायके चली जाऊंगी बनना ध्यान रखना ठीक है, निकल यहां से, यानी उसे ऐसे करके पुश कर देगा भाग यहां से, पुश मार, यही होता पुश फैक्टर। जब जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर काम नहीं, वहां पर अवसंरचना का विकास नहीं, वहां पर उद्योग नहीं हो, तो वहां पर एक फैक्टर काम करता है, बल काम करता है, तो होता है पुश फैक्टर, पुश, ये असुरक्षा, ये किक मारने का काम करती है, पुश मारने का काम करती है, पुश करती है, निकल यहां से, यानी बाहर काम करने जाओ, तो इसको कहते हैं पुश फैक्टर ठीक है। नहीं अब क्या हुआ, अब पति कहां चला गया, नोएडा में रहने लग गया, दिल्ली में रहने लग गया, काम मिल गया उसे, अब उसने देखा कि सबकी पत्नियां काम करने जा रही हैं, यहां तो, यहां तो लड़कियों के लिए भी काम है, तो उसने क्या किया, फोन किया अपनी पत्नी को, भैया यहीं आ जा, तू वहां क्या कर रही है, वहां बैठी तो रहती है सब चुपचाप, यहां पर किसी स्कूल को ज्वाइन कर लेना, काम कर लेना, टिफिन सिस्टम ही शुरू कर देंगे, बहुत सारा काम है, आ यहां पर। तो क्या हुआ कि यहां के संसाधन, शहर के संसाधन, शहर में रोजगार है, तो उसने ठीक है पति ने अपनी पत्नी को ऐसे कर खींच के बुला लिया कि आजा, उसको क्या कहते हैं पुल फैक्टर। तो शहरों में क्या होता है, शहरों में हमेशा पुल फैक्टर काम करता है और गांवों में पुश फैक्टर काम करता है, समझ आया नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहीं पर जा रहा है तो पुल फैक्टर होता है, कहीं से आ रहा है तो, कहीं भेज रहे हैं तो पुश फैक्टर, कहीं से आ रहा है तो पुल फैक्टर काम होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए ठीक है। नहीं प्रतिकर्ष नहीं है ठीक है, नहीं याद रखना, बेरोजगारी, आपदा और शिक्षा सुविधा का ना होना ठीक है, ये तीनों, बेरोजगारी है पुश फैक्टर, आपदा है पुश फैक्टर, शिक्षा सुविधा है पुश फैक्टर, रहन सहन की अच्छी सुविधा पुश फैक्टर नहीं होता, ये पुल फैक्टर होता। अब बताओ आ गया समझ में, ऐसे समझनी चाहिए चीजों को, अब आप भूलोगे नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था को दर्शाती है ठीक है। जनसंख्या संक्रमण, कभी आपने सोचा जनसंख्या संक्रमण क्या होता है,
देखो समझना इसका, जनसंख्या संक्रमण आप कहीं भूलोगे नहीं, आप कहो तो सही, भुलाना बंद करवा दूंगा। देखो क्या होता है कि जैसे जैसे कोई नया देश है, कोई नया देश है, विकसित नहीं है, उसके पास अभी संसाधन नहीं है, है ही नहीं, क्या करे बेचारा। प्रारंभ में क्या होता है, सुविधा है नहीं, प्रारंभ में बर्थ रेट ज्यादा होती है और डेथ रेट भी ज्यादा होती है। इसका मतलब है दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ जनसंख्या संक्रमण। यह जनसंख्या संक्रमण का पहला फेज होता है। इस समय पर बहुत बच्चे पैदा होते हैं लेकिन बहुत मरते भी हैं। अभी तक कीनिया, नाइजीरिया, अफ्रीका के जो गरीब देश है वो इसी में जूझ रहे हैं अभी तक। अब क्या होगा, उस देश का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा, देश का विकास होगा, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास होगा, तो डेथ रेट पर अंकुश लगना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन बर्थ रेट ऐसी कैसे रहेगी, बर्थ रेट सेम रहेगी, डेथ रेट क्या हो जाएगी, तेजी से कम होगी, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास होने लगेगा तो दूसरी स्टेज आ जाएगी, डेथ रेट क्या हो जाएगा, कम। डेथ रेट अगर कम हो जाएगा इसका मतलब है जनसंख्या बूस्ट करेगी, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी, दैट इज द सेकंड फेज। तीसरे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, ठीक है, गर्भ निरोधक उपाय बताए जाएंगे, ठीक है, स्वास्थ्य का और विकास किया जाएगा, उनसे कहा जाएगा भैया थोड़े बच्चे कम पैदा करो तो बर्थ रेट थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कम होगी और डेथ रेट भी तेजी से कम होगी, ठीक है। इसमें भी जनसंख्या बढ़ी रहेगी लेकिन जनसंख्या थोड़ी सी कम होना प्रारंभ हो जाएगी, यानी संपूर्ण जनसंख्या की वृद्धि दर में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, जनसंख्या बढ़ेगी लेकिन वृद्धि दर में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और ये थर्ड स्टेज है, इसी में भारत है। चौथी में क्या होगा, ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगी चौथी अवस्था, जितने बच्चे पैदा हो रहे उतने, यानी बर्थ रेट भी कम हो जाएगी और डेथ रेट भी कम हो जाएगी, ये चौथी अवस्था होती है। उसके बाद क्या होगा, बर्थ रेट कम हो जाएगी और डेथ रेट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बच्चे लोग पैदा ही नहीं करेंगे, जैसे जापान सरकार कह रही है बच्चे पैदा करो, शादी करो, हम नहीं कर रहे, समझ गए नहीं, हमें नहीं है कोई शादी में इंटरेस्ट, ठीक है, शादी क्यों करें, नहीं कर रहे, हम नहीं जिम्मेदारी उठा रहे, ऐसी पूरा जापान यही तो कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया यही तो कर रहा है, शादी नहीं कर रहे, ठीक है, अब शादी नहीं करें तो बच्चे नहीं होंगे, लेकिन जो बड़े बूढ़े होते जा रहे हैं उनका तो डेथ हो रहा ही होना है, जो आया है वो तो जाएगा ना, ये तो प्रकृति का नियम है ना, वही तो है। तो यहां पर क्या होगा, उस देश की जनसंख्या तेजी से कम होगी और वह देश में मानव संसाधनों की कमी आ जाएगी, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उच्च विकसित देश है, ये विकसित देश है, ये क्या है, ये बिल्कुल अल्प विकसित देश है, थोड़े से विकासशील देश है और विकासशील देश है, लेकिन ये विकसित देश है और ये अत्यधिक विकसित देश है, पांचवी अवस्था, ये पांचवी व्यवस्था है। तो यहां पर आप देख लो ये होगा अंतिम अवस्था। अब यहां पे देखो पूरा लिखा हुआ है, प्रथम अवस्था क्या है, द्वितीय अवस्था क्या है, तृतीय क्या है, चतुर्थ क्या है, पंचम में तो भारत है, यहां पे श्रीलंका, क्यूबा, भारत और कीनिया ये तीसरी अवस्था में है, अंगोला, रोडेशिया, ठीक है, सोमालिया ये दूसरी अवस्था में है, ठीक है, कॉन्गो वगैरह जो है, सूडान वगैरह ये पहली अवस्था में है, चतुर्थ अवस्था में ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और मिस्र है, पांचवी अवस्था में ब्रिटेन है, जर्मनी है और जापान है, ठीक है ना, ये पांचवी अवस्था। हाँ, अमेरिका फोर्थ में, अमेरिका यूएसए फोर्थ में, ठीक है नी, समझ आ गया नहीं, चलिए किसी देश प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या में स्त्रियों पुरुषों, जनसंख्या, लिंग अनुपात, ठीक है, आयु वर्ग संरचना, उनके व्यवसाय शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा तथा आवासों के आधार पर दूसरे से पृथक विशिष्ट जनसंख्या विशेषताओं को जनसंख्या संगठन कहते हैं, ये बात याद रखना। यहां पर तीन प्रकार के आपको क्या बनाए, पिरामिड बनाए हैं, ये बात आपको याद रखना। ऐसा पिरामिड जो तीव्र ढाल वाला होता है, ज्यादा तीव्र ढाल वाला होता है, इसका मतलब है अभी फर्स्ट स्टेज में है, यहां पर बच्चे भी खूब पैदा हो रहे हैं और मर भी खूब रहे हैं। देखो यहां पर इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन 40 से 45 तक आते आते कितने मर गए, यार इतने लोग मर गए, 1947 में भारत इसी अवस्था में था, इसके बाद धीरे धीरे, देखो यहां पर इतने बच्चे पैदा हो रहे थे, यहां पर कम बच्चे पैदा हो रहे,
जन्म दर कम है और यहां पे बढ़ते बढ़ते यहां पे देखिए यहां तक तो केवल 40 से 45 हजार इतने बच्चे ही मर रहे हैं, ठीक है नहीं, यहां पे इतने मर रहे थे, इसमें इतने कम मर रहे हैं ना, इसका मतलब यहां पे बर्थ रेट अब यानी डेथ रेट थोड़ी सी कंट्रोल हो गई है। ये भारत की स्थिति है, ये भारत की स्थिति है, ये उच्च विकसित देशों की है, यहां बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं। और देखो ऊपर चले जाओ इतने मर नहीं रहे क्यों, पहले से मौजूद है, ठीक है, मर कम रहे, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और डेथ रेट भी कम हो गई है। तो सोचो इस वाला जो होता है अत्यधिक विकसित देशों का ऐसा पिरामिड होता है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है ना, याद रखोगे। चलिए इसके अलावा यहां पर कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लेना जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। इसके बाद कुछ प्रश्न है जो मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है, कल की क्लास में कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। बिहार की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, ऐसे प्रश्न मैं आपको कल से कराऊंगा, आज से नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो बस इसका राइट आंसर बता रहा हूं, रोहतास इज राइट आंसर, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं, जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो जरूर बताएं। अगर इसकी पीडीएफ लेनी है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ी देर रुको तो मैं आपको पीडीएफ भी आपको अभी अभी प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आपको कुछ और भी करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको ये पीडीएफ दे रहा हूं, ठीक है, ये रही पीडीएफ, रोजाना मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। पीडीएफ के बाद भी आपसे कुछ बातें मुझे करनी है, वो भी बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, तो थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। आपको ये बता दूं कि ठीक है नहीं, मुझे तो ये बता दूं बस, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, क्योंकि जबरदस्त पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, सिर्फ एक चैनल पर मिलेगी, यहाँ पर SST विद राज राणा, ध्यान रखना सारे के सारे लोग यहाँ पर जरूर जुड़ जाओ, SST विद राज राणा, ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है नहीं। और यहाँ पे आप जैसे बहुत सारे मेरे फैमिली के ऐसे हैं, 12,598 लोग हैं और मैं चाहता हूँ इसको और बढ़ाओ, ठीक है नहीं। और इसमें ये आपको मैं पीडीएफ आपके सामने ही प्रोवाइड करा दे रहा हूँ ताकि आपको भी लगे कि हाँ, और देखो सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी, सारी पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी, तो यहाँ से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें सारे, है ना, यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लो, क्योंकि सारी की सारी पीडीएफ ही रहे, ठीक है नहीं, ओके। और मैंने आपको बताया था अगर आपको मान लो कि टेक्स्ट बुक से अगर कोई कोर्स परचेज करना है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 8367772 और 54 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे पास, ठीक है नहीं। तो चलिए फिर आपसे इसी प्रकार से मुलाकात होती रहेगी और आप रात के 10 बजे भी सभी लोग जरूर आए, ठीक है, रात के 10 बजे भी क्लास होती है, ठीक है, वहां पर मैं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन करा रहा हूँ, साथ साथ यहाँ पे SST की सारी किताबें करा रहा हूँ, वहां पर सभी को मिला के होलिस्टिक, यानी वहां पे साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, वहां पर पर्यावरण के भी क्वेश्चन होंगे, वहां पे इंडियन नेशनल मूवमेंट के भी क्वेश्चन होंगे, वहां पे सबके क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। इस समय जो झारखंड यानी झारखंड में शिक्षा जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए खास ऑफर है टेक्स्ट बुक की तरफ से, आप अगर इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है तो वहां पर आपको इस समय पर 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप डिस्काउंट का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे अपना पूरा के पूरा वो लिख के भेज सकते हैं कि मैं इस कोर्स को लेना चाहता हूं, उसकी पूरी की पूरी जानकारी मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। चलिए तो बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें, जय हिंद, जय भारत।